वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा प्रोग्राम है बबल सॉर्ट। डेटा स्ट्रक्चर्स में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक है जिसको आज हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। इसके लिए एक एरे मैंने लिया है, आपकी स्क्रीन पर है। एरे के एलिमेंट्स हैं हमारे 42, 0, 7, -7, 15। ओके, तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम कैसे काम करता है मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम कैसे काम करता है एक बार देख लीजिए। ये रहेगा हमारा स्टेप नंबर 0। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 42, ठीक है। इनिशियली जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 42, 0, -7 और 15। तो सबसे पहले पहला और दूसरा एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट्स कंपेयर किए जाएंगे। 42 और 0 को कंपेयर करेंगे, अगर पहला नंबर बड़ा निकला तो हम स्वैपिंग करेंगे। अब इस केस में तो 42 जीरो से बड़ा है तो स्वैपिंग करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 0, देन 42, -7, 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई की वैल्यू 1 के लिए। उसके बाद लूप आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट टू एलिमेंट्स कंपेयर किए जाएंगे। यहां भी वही सेम सिचुएशन है, फिर से स्वैपिंग होगी, आई की वैल्यू 2, 0 यहां आ जाएगा इस बार, -7, देन 42, देन 15। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, इन दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। अगेन 42 इज ग्रेटर देन 15, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी स्वैपिंग की जाएगी। इट मींस जब आई की वैल्यू 3 होगी तो यहां 0, -7, 15 और 42, ये एक पास कहलाता है स्टेप 0। तो इस केस में अगर आप नोटिस करो, जो आपका हैवीएस्ट एलिमेंट है यानी कि 42 या ग्रेटेस्ट एलिमेंट 42, वो सबसे लास्ट में पहुंच गया। जैसे पानी में एक बबल नीचे से ऊपर पहुंच जाता है, ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बबल सॉर्टिंग। सेकंड टाइम देखते हैं आई की वैल्यू 0 के लिए, तो इसी पर काम करेंगे, 0, -7, 15 और 42। तो यहां पर फिर से लूप स्टार्ट होगा, 0 और -7 को कंपेयर करेंगे तो इसमें भी स्वैपिंग होगी क्योंकि 0, -7 से छोटा है। तो स्वैपिंग होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, -7, 0, then 15, then 42। फिर आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो यहां आप देखेंगे कि इस स्टेज पर -7, 0, 15 और 42, ये सारे एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं, सॉर्ट हो चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो लूप ऐसे ही आगे चलता चला जाता है, ठीक है। अब एक बार कोडिंग की तरफ देख लेते हैं। यहां देखिए हमारी कोडिंग, एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम हमने रखा है बबल सॉर्ट। दिस इज अवर फंक्शन बबल सॉर्ट। इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक तो एरे पास करेंगे और एक साइज पास करेंगे। साइज यूजर से हम इनपुट करवा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स वो इनपुट करेगा। यहां देखिए int i j temp, इसके अंदर हमने फॉर लूप यूज किया है, i = 0, i < size -1, i++, ठीक है। साइज की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 4 दी तो यहां इंडेक्सेस इसके क्या होंगे, 0, 1, 2 और 3। तो लूप तो 3 तक चलना चाहिए ना, तो इसीलिए यहां लिखा है size -1, तो यहां हो जाएगा 4 - 1, that will be 3। तो आई की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, चार बार लूप चलेगा। उसके अंदर नेस्टिंग करी गई है, एक और लूप इसमें लिखा है फॉर j = 0, j < size -i - 1। इससे क्या होगा, यहां देखिए साइज की वैल्यू इनिशियली 4 है, 4 - i, i की वैल्यू क्या है, 0, फर्स्ट टाइम तो 0 ही होगी ना, तो 4 - 0 - 1 कितना हो गया आपका, मैं इधर लिख के दिखा देता हूं, 4 - 0 - 1 ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये 3 तक चलेगा। फिर जब लूप आगे बढ़ेगा उसके बाद मान लो स्टेप 0 आपका ये कंप्लीट हो गया, जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है, ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप 1 के लिए क्या करना है, साइज की वैल्यू यहां देखिए, सेकंड टाइम क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, j = 0, j < size 4 था,
-1 -1, तो 4 -1 -1 का मतलब 4 -2, तो इसका मतलब 2, तो लूप एक बार और कम चलेगा। अब बबल सॉर्टिंग में अंदर लॉजिक हमने क्या लगाया है कि अगर पहला एलिमेंट, इधर देखिए, अगर पहला एलिमेंट एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1 दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। तो यहाँ लिखा भी है स्वैप एरे जे एंड एरे जे प्लस 1। तो हमने एक थर्ड वेरिएबल टेम्प वेरिएबल ले करके यहां पर क्या किया है, स्वैपिंग कर दी है। तो स्वैपिंग का मतलब होता है एक्सचेंज, पहली वैल्यू दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाएगी, दूसरी वैल्यू पहली पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नेस्टिंग में प्रॉब्लम है और आपको स्वैपिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं इन पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये ऑलरेडी आपके सामने एक कोड मैंने लिख करके रखा हुआ है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है और आपका वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाता है। मैं चाहता हूं कि इन शॉर्ट आप इसको जल्दी से सीख लें। तो इधर देखिए, एक फंक्शन बना रखा है, फंक्शन है हमारा void bubble sort int array int size, वही सेम जो अभी अभी डिस्कस किया है। और उसके अंदर फिर हमने क्या किया है, int main, main फंक्शन बनाया, int array 10, ऐसे ही एक 10 नंबर ले लिया है, क्योंकि जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर्स इनपुट करा करके नहीं करवाते हैं, 2-4 नंबरों से पता लग जाता है बबल सॉर्टिंग हो रही है कि नहीं। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम एक लिमिट ले ली 10, साइज यूजर से पहले साइज पूछा है, एंटर साइज, उसके बाद यूजर से हमने नंबर्स इनपुट करवा लिए हैं, क्लियर। अगर आपको एरेज के बेसिक्स नहीं आते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहां क्या किया है, हमने बबल सॉर्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया, इसके अंदर एरे और साइज ये दो वेरिएबल्स हमने पास किए हैं। इस स्टेप को क्या कहा जाता है, फंक्शन कॉल, ठीक है। बबल सॉर्ट अपने आप ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर देगा, करने के बाद आप उस ओरिजिनल एरे को फिर से डिस्प्ले करा दीजिए, तो ये आपका सॉर्टेड एरे डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं, यहां देखिए, तो यहां देखिए एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, एंटर साइज 4। अब हम कुछ एलिमेंट्स एंटर करेंगे, वही सेम एलिमेंट्स एंटर करेंगे जो हमने यूज किए हैं, 42, 0, -7 और 15। यहां देखिए, तो ये है आपका सॉर्टेड एरे -7, 0, 15 और 42। आई होप ये बबल सॉर्टिंग आपकी समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम है, आप इसको वीडियो को बार बार देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो समझ में आई या नहीं, या अगर इस वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।